नमस्कार साथियों, मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 8 जनवरी 2022 में जो करंट अफेयर्स आया वो कल की क्लास में देखने को मिलेंगे हमारे साथी लोगों को। तो मैं मेरे साथियों लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं बिना समय गवाए हुए आपकी परीक्षा का ख्याल रखते हुए मैं जल्द से आपके सामने ये क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विशाल दल दल नामी कोरोना से संक्रमित हो गए वे बॉलीवुड फिल्म में क्या काम करते हैं? तो इसका आंसर है साथियों सिंगिंग। उसके बाद में इसके बारे में पूरी बताऊंगा। तो ये कल की न्यूज है साथियों, इसमें लिखा रहा है कि बॉलीवुड कोरोना का कहर। विशाल दल लानी और मिथिला पालकर को भी हुआ कोरोना। सोसरा कुरुबा समेत ये सिलेक्स भी आज कोविन पॉजिटिव आई है साथियों। ये रहा तो इन तीनों को कोरोना पॉजिटिव की चपेट में ले लिया गया है साथियों। अब इसमें देखी जाए तो ये भी और इनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है और इनकी रिपोर्ट भी प्लस में आ चुकी है। मतलब तो इस तरीके से अपने कोरोना का भी कहर तेज़ी से चल रहा है ऐसी स्थिति को देखते हुए। ठीक है साथियों, अगला सवाल अपने करंट का ये है। ICC ने T20 क्रिकेट के नए नियम बनाए। धीमे ओवरेज के लिए क्या सज़ा बढ़ाई गई है? अगर जो कोई धीमी तरीका से गेंदबाजी खेलेगा उसके लिए क्रिकेटर ने उनके लिए 30 गज के दायरे से बाहर के एक बिल्डर घटिया। तो साथियों देखते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो ये रहा आपने T20 वर्ल्ड कप। तो साथियों इसमें देखा जाए तो ये T20 क्रिकेटर ये तो इनके मतलब देखा जाए स्लो ओवर पर मिलेगी सज़ा। अगर बहुत सारा जो स्लो ओवर देगा ना उनके लिए अब फटाफट क्रिकेटर में भी होंगे डिस्क ब्रेक। ICC ने इंटरनेशनल T20 मैचों के लिए नए नियम बनाए हैं। अब धीमी ओवरेस्ट पर पेनल्टी का नियम लागू कर दिया गया है और ये न्यूज है साथियों कल की। अब T20 मैच के दौरान ड्रिंक्स भी लिया जा रहा है। जनवरी 2022 में ये नियम लागू हो रहे हैं। ये नियम के अनुसार अगर कोई टीम ओवर रेट में तय समय से पीछे होगी तो बाकी के बचे हुए ओवर्स में एक बिल्ड 30 गज के दायरे से बाहर खड़ा नहीं हो पाएगा, उसे 30 गज के दायरे में खड़ा होना है। तो साथियों इस पर ज़्यादा बहस ना करते हुए उनको 30 गज के अंदर खड़ा होना होगा और उनके लिए सज़ा का कुछ प्रावधान किया उनने, मतलब मानदंड। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चीन छोटे से देश की बड़े हौसले वाली नेता। ये रहा अपनी भाभी। छोटे से देश की बड़े हौसले वाली नेता ड्रैगन के आगे चीन जैसी दीवान। तो ये साथियों अपना क्वेश्चन, चीन को भारत से लगाव रखने वाली साई संग वैन चूमती है वे किस देश की राष्ट्रपति है? तो साथियों चलते हैं इसके बारे में तो कुछ विस्तारित वर्णन करते हैं। तो साथियों इसके बारे में ताइवान की धक राष्ट्रपति चीन की आंखों में चूपती है। किसकी आंखों में? अपने देश के विरोधी माने जाने वाले चीन उसकी आंखों में चूमती। साई संग वैन हांगकांग की आज़ादी के समर्थक, भारत से है गहरा लगाव। तो साथियों ये ज़्यादा तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में भी अच्छा लगाव है इनका। तो इनके बारे में थोड़ा कुछ विस्तार डिटेल से जान लेते हैं। अपने MP पुलिस कॉन्स्टेबल में अगर एक क्वेश्चन कब गया तो साथियों वही किसका, इन्हें अपना सिलेक्शन पाने के लिए वो एक क्वेश्चन ही हमको आगे बढ़ा देता है। करीब
अरब की आबादी वाली चीन की दादागिरी और उसके अड़ियन रवैये के सामने महज 2 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश ताइवान की महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन मजबूती से डटी हुई है। लोकतंत्र और भारत और स्वतंत्रता के समर्थक साई वेन चीन की हर चाल और नाकाम कर रही है, चीन की चालाकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भास्कर वुमन की रिपोर्ट में पढ़िए, आखिरी कौन है ताइवान की लोकप्रिय राष्ट्रपति साई इंग वेन, जो चीन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बनी हुई है। इन्हें के साथियों का अपना सवाल वही आ जाता है कि ये चीन के सामने एक प्रकार की विरोधी खड़ी हो चुकी है, अगर देखी जाए तो एक प्रकार की विरोधी खड़ी हो चुकी है, जिससे कि चीन के राष्ट्रपति मोदी जी को भी इससे बहुत सारी दुख समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए हुए। ये रहा आपका अगला सवाल, देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 150 डोज लग चुकी है, ये कैंपेन कब शुरू होगा? तो ये 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इन्हें ये करंट में बहुत सारी बार साथियों पुराने पुराने क्वेश्चन भी पूछा करते हैं। अभी 150 डोज तो लग चुकी है, ये कैंपेन शुरू हुआ था मतलब 16 जनवरी 2021 को। इसके बारे में कुछ न्यूज़ देख लेते हैं, इनसे कुछ सवाल उठेंगे। तो साथियों वैक्सीनेशन का नया कीर्तिमान, देश में अब तक वैक्सीन के 150 करोड़ डोज लगे, 5 दिनों में ही 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को लगा टीका। यानी कि ये 5 तारीख को लगना शुरू हो चुका था, 5 तारीख से अभी इनको 2-3 दिन 2-4 दिन हो गया, 4 दिन में 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को टीका लग चुका है। तो ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको इनके बारे में ये वीडियो चला के। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अच्छी खबर है, देश में अब तक वैक्सीन की 150 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है जिसकी शुरुआत हमने शून्य से की। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी खुराक देने की शुरुआत होगी। देखिए साथियों, आपने देखा तो इनमें 150 डोज लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हुई थी, लेकिन उस समय इसका आंकड़ा देखा जाए तो 16 जनवरी को इनका आंकड़ा ये 0 आ रहा और 11 अप्रैल 2021 को ये 10 करोड़ लग चुकी थी साथियों, और 6 अगस्त 117 दिन में ये 10 करोड़ के समथिंग हो चुकी थी। तो जैसे जैसे ये 7 जनवरी 2022 का आंकड़ा यहाँ पर पहुँच चुका है अपना करंट का, तो ये रहा अपना 150 करोड़ पहुंच चुका है साथियों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कोरोना का असर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के भारत दौरे पर भी पड़ सकता है, ये दौरा कब होना? तो ये दौरा फरवरी में होएगा 2022 के समथिंग। देखते हैं साथियों इसके बारे में ये न्यूज क्या बोलती है। ये रहा आपका अगला सवाल, खतरे में वेस्टइंडीज का भारत दौरा, कोरोना के चलते सीरीज को रेशेड्यूल कर सकता है बीसीसीआई, 1-2 वेन्यू पर हो सकते हैं सभी मैच। वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल
तीन वनडे 6 से 12 फरवरी अहमदापुर, जयपुर और कलकत्ता। तो साथियों इसी के साथ में ये रहा अपना मैच, ये तीन वनडे 6 से 12 जनवरी यानी 6 से 12 जनवरी और ये अहमदाबाद, जयपुर और कलकत्ता, ये तीन शहरी क्षेत्र में होने थे, ये रहा। और ये होने थे साथियों अपने कटक, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, ये भी तीन में होने थे, पर इनकी तारीख अलग थी, ये 15 फरवरी से 20 फरवरी के थी, पर लेकिन ये टलने की संभावना है वेस्ट इंडीज जब भारत का दौरा कर रहा था तो कोरोना के चलते। ठीक है साथियों बढ़ते हैं इसी के में अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये बसु से शादी करने वाले एक्टर करण ग्रोवर की पहली पत्नी का क्या नाम है? तो ये रहा आपका जेनिफर विगेट। ये जेनिफर विगेट इनने दोनों एक्टर और ये एक्टर ने दोनों की शादी हो चुकी है और इन दोनों का ये मिलन भी हो चुका है। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये रहा आपका सवाल, क्योंकि सेलेब्स के अफसर रिश्ते अमर अली, संजीदा शेख से लेकर करण सिंह ग्रोवर, जेनिफर विगर तक सेलेब्स जिन्होंने अपने को स्टार्स में शादी हो गया तलाक। तो चलते हैं इनकी तरफ। तो साथियों ये रहा अपना क्वेश्चन, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से टेलीविजन इंस्टीट्यूट की दुनिया में कभी भी ऐसे सेलिब्रेट है जो जिनको पार्टनर से नहीं पटी और फिर भी उनका तलाक हो गया? यहाँ देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कि इसी क्वेश्चन के ऊपर दोनों के पार्टनरशिप होने के बाद में तलाक भी हो गया, यहाँ पर दिन किसी भी रिश्ते जुड़ते हैं तो कभी रिश्ते के टूटने की खबर आती है। आमिर अली और सजीद शेख से लेकर करण सिंह ग्रोवर और जेनी विवेट तक, इस लिस्ट में टीवी के कई सेलेब्स शामिल है। तो देखते हैं ये रहा इन दोनों का मिलन, आमिर अली और संजीदा शेख। तो ये तो रहा संजीदा शेख, ये रहा आमिर अली अपने भाभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ISIS के 2 आतंकियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, इनके खिलाफ मुंबई में कहां पर मुकदमा दर्ज किया गया? तो इनके खिलाफ काला चौकी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। अगर कोर्ट की माने तो कोर्ट ने इनको आतंकी आतंकियों की संज्ञा दे दी गई, अगर कोर्ट की माने तो। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है ये कल का। तो ये दोनों फरार हो चुके थे, इन दोनों को ही पुलिस ने दबोच लिया है साथियों, काला चौकी पुलिस थाना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा भारत और श्रीलंका के बीच 99 में ऑयल टैंक बनाने की डील हो रही है, ये टैंक किस जगह बनेंगे? तो साथियों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, त्रिकोमाली। अब ये त्रिकोमाली में ये बन तो रहा, पर उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे ही साथियों थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से खुलने में दिक्कत आ रही।
तो साथियों यहाँ पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इनके बारे में 99 ऑयल टैंक बनाने की डील हो चुकी है। तो ये रहा अपना टैंक, ये यहाँ पे साथियों इस न्यूज़ में स्पष्ट रूप से लिखा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच 99 ऑयल टैंक बनाने की डील हो रही है। ये टैंक किस जगह पर बनेंगे, तो ये त्रिकोमाली में बनेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। सिडनी टेस्ट में किस गेंदबाज की गेंद पर इंग्लैंड के बेन स्टोक के विकेट की बेल से नीचे गिरी, तो ये कैमरून, ये जो साथियों जो कैमरून है इनकी नीचे गिरने से विकेट नीचे गिर चुकी है। ये बॉलिंग कर रहे थे साथियों, ये ऊपर से जैसे यहाँ पे आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो उसी के आधार पे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बैन के कारण सोनू सूद अब चुनाव आयोग के आइकन नहीं बनेंगे, इनकी बैन का क्या नाम है? अगर देखा जाए तो इनकी बैन मालविका सूद, अब इनके ऊपर बहुत बवाल मच रहा था साथियों, तो इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं इनका क्या होना। अरे साथियों ये नेट राजनीति का साइडेंट फैक्ट, सोनू खुद अब चुनाव आयोग का आइकन नहीं, बैन के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बॉलीवुड स्टार से पल्ला झाड़ा, क्योंकि इनकी बहन अगर चुनाव लड़ रही तो फिर इनको नीचे बैठना पड़ेगा साथियों। ये ही है इस न्यूज़ में, सोनू खुद हीरो नहीं विलेन सोनू की खुद बहन मालविका लड़ रही चुनाव, जल्द किसी राजनीतिक पार्टी में हो सकते शामिल, बहन के लिए मोगा में चुनाव प्रचार कर रहे सोनू खुद। अब ये एक्टर खुद उनकी बहन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये रहा। तो साथियों इसके साथ में इनको देख लेते हैं, ये बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव, बॉलीवुड स्टार अब चुनाव आयोग के वेटिंग आइकन नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। सोनू सूद को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पंजाब का टेस्ट आइकन नियुक्त किया गया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर डॉक्टर एस करुणा राजू ने कहा है कि 4 जनवरी 2022 के बाद वह इस नियुक्ति पर नहीं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर इस पर चुनाव लड़ने वाली है। इस घोषणा सोनू सूद ने ही मोगा में की थी। मालविका मोगा से चुनाव लड़ेगी, हालांकि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन राजनीति में आने की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। तो साथियों इनको देखते हुए ये है दोनों बहन भाई, तो ये तो लड़ रही है चुनाव बहन का सहयोग में भाई प्रदर्शन, और उसके बाद में इनका प्रचार प्रसार करेगा, इसलिए ये दोनों चुनाव लड़ेगी। ठीक है साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की। तो यही सेशन अपना यहीं तक एंड समाप्त होता है। इसी के साथ में साथियों वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपके पास में आ सके। और मैं रहा आपका मेघवंशी चैनल, जिससे कि साथियों एमपी पुलिस में जितने भी आने वाले करंट मैं आपको दे सकूं, और जितनी मेरे से हेल्प हो सके साथियों मैं हेल्प कर सकूं आपके लिए। तो साथियों ठीक है, बने रहे अंत तक।